बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हाल चाल मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, मैं आई हूँ अपने खेत में। और खेत में क्या क्या है, खेत का टूर मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। तो मैंने कहा चलिए आज खेत की वीडियो बनाते हैं और खेतों में क्या क्या लगा है, सब्जियाँ लगी है और एक स्पेशल चीज़ नर्सरी लगाई है जो कि मेरे ससुर जी ने लगाई है। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, खेत का टूर देने से पहले, मैं आपको मिलवाना चाहूँगी मेरे ससुर जी से, जो कि 2016 में हिमफेड डिपार्टमेंट से रिटायर हो चुके हैं और उसके बाद ये नर्सरी जो है हर साल लगा रहे हैं। तो पापा, मैं चुनीलाल कौशल, नर्सरी एंड वाटिक रत्नगर, हर साल की भांति इस साल भी मैं प्लम की वराइटी, चार वराइटियाँ तैयार करता हूँ, जिसमें ब्लैक हैमर, रेड व्यूट, सेंटा रोजा, फॉर्चूनर और वेनियर भी है, पांचवी वराइटी। हर साल ही हम इसको जो तैयार करते हैं। इस वक्त हमारा सीजन चला हुआ है कलम करने का, तो हमारे साथ मेरे साथ एक सहयोगी ड्यूटी से रमेश कुमार जी, ये भी हर साल कलम करने आते हैं मेरे साथ। तो सर्दियों में कलम होती है, सर्दियों से कलम होती और है। और जब ये पौधा पूरा तैयार हो जाता है, नवंबर जनवरी फरवरी में इसको लगाने का टाइम होता है, लगाने का टाइम होता है। तो पूरा पौधा तैयार हो जाता है दिसंबर और जनवरी में। तो आजकल जो प्रोसीजर है चालू किया जा रहा है, नया बीज भी, सीडलिंग जो तैयार होगी उसकी बिजाई भी हम कर रहे हैं, तो वही हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको खेत का ओवरव्यू देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ा सा खेत है और इसमें छोटे छोटे से बेड्स बने रहते हैं। इस तरीके की नर्सरी बनी है और खेत के ज़्यादातर हिस्से में ये नर्सरी ही लगाई जाती है। तो ये है सीड, जिसे आप खुरमानी का सीड कह सकते हैं, खुरमानी का जो बादाम होता है वो। इसे कुछ टाइम के लिए मिट्टी के अंदर दबा कर रख दिया जाता है, उसके बाद आज इसे निकाला गया है लगाने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अब लगाने के लिए तैयार हो चुका है। तो बस इसी को अब आज डालेंगे, मतलब इसका बीज आज लगाने वाले हैं। सबसे पहले सीडलिंग करने से पहले क्यारी बनाई जाती है। और क्या क्या बोल रहे हैं? तो इस तरीके से पहले क्यारी तैयार की जाती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन खींची जाती है और थोड़ी थोड़ी दूर के बाद ये गुठलियाँ इसमें डाली जाती है। तो इस तरीके से फिर इसको बंद कर दिया जाता है। तो जी एक साल पहले ये सीड डाले गए थे और ये पौधे तैयार हो गए हैं जैसा आप देख सकते हैं। और एक साल के बाद फिर इसमें की जाती है ग्राफ्टिंग। ये पिछले साल का पौधा है, मतलब पिछले साल सीड डाले थे और एक साल में ये पौधा इतना तैयार हो जाता है। बाद ये आप देख सकते हैं, ये बड़े जो पौधे आपको दिख रहे हैं, जो ये वाला पौधा है, ये है 3 साल का पौधा और ये पूरे खेत में लगाए गए हैं और इसमें सारी वैरायटी है, रेड ब्यूट, सेंटा रोजा, सब कुछ ये आप देख सकते हैं। तो ये 3 साल के पौधे हैं सारे। 3 साल में ये पौधा इतना बड़ा हो जाता है और आप देख सकते हैं बिल्कुल आगे तक जो आपको ये एरिया दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है यहाँ पर ये सारे पौधे तैयार किए जा रहे हैं, नर्सरी तैयार की जा रही है। और जिसकी वैरायटी आपको पहले ही पापा ने बता दी है, तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इन पर जो है ये ग्राफ्टिंग होगी, ये जो पौधे है इन पर ग्राफ्टिंग होगी और ये ग्राफ्टेड है, मतलब इस पर ग्राफ्टिंग हो चुकी है। ब्लैक हैमर, ये पूरा दूसरा खेत, ये वाला, और उसके बाद ये वाला है प्लम, रेड ब्यूट। ये रेड ब्यूट में हो गई है ना पूरी, ये रह गई है ना, ये सारा इधर से है। हाँ, नीचे को फिर सारा सेंटर हो गया। हाँ, ये रेड ब्यूट की है और ये वाला, अच्छा 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 प्लम की वैरायटी सेंटा रोजा, ये आप देख सकते हैं 2 क्यारियों में ये लगाई गई है। और इस तरीके से फिर ये पौधे जो हैं बड़े बड़े हो जाएंगे। यहाँ पर आपने देख ली प्लम की जो है 4 से 5 वैरायटियाँ यहाँ पर मिल जाती हैं और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। एक सीडलिंग से इसे, मतलब सीड से तैयार किया जाता है, उसके बाद ये पौधे बनते हैं, फिर इस पर ग्राफ्टिंग की जाती है और ग्राफ्टिंग करने के बाद अब ये बड़े होते हैं, 6 से 7-8 महीने तक ये पौधा जो है वो तैयार हो जाता है और उसके बाद आप पेड़ लगा सकते हैं, मतलब पेड़ तैयार हो जाता है एक। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें लगती है। चलो बड़ा जो कलम है आपके पास,
तो ये कैसे काटते हैं, शूट से ऊपर नीचे? ऊपर से काटते हैं। कितने छोड़ते हैं इसमें? तीन आके। अच्छा, तीन आके। फिर इस तरह से इसको छीला जाता है, इस तरह से कट लगा के, इस तरह से कट लगा के इस तरह से कलर बना देते हैं। जिसमें कम से कम एक इंच का कट रहना चाहिए। अच्छा। लंबा से लंबा। अच्छा। फिर इस तरीके से एक साइड से खाल मिलानी पड़ती इसकी। अच्छा। ऐसी फिर यहाँ से उसमें कट लगना चाहिए, तब जाके जो है पॉलीथिन बांधा जाता है। अच्छा, तो ये ग्राफ्टिंग हो रही है। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं, ये हो रही है ग्राफ्टिंग। और ये हमारे रिलेटिव भी है, ये भुट्टी से हैं। हेलो कर दो, चलो नमस्कार बोल दो। तो ये यहाँ पर कर रहे हैं, और उधर पापा जो हैं वो काट रहे हैं इनको, इस तरीके से कट लगा रहे हैं, कलम बना रहे हैं, और उसके बाद ये यहाँ पर जोड़ रहे हैं। वेश ही जोड़ रहे हैं वो। कौन सी कलम है ये? ये ब्लैक हैमर। अच्छा, ये ब्लैक हैमर है। हाँ जी, आएंगे। तो ये ब्लैक हैमर की कलम की जा रही है। तो ये था पूरे खेत का ओवरव्यू जो मैंने आपके साथ शेयर किया। यहाँ पर प्लम का बगीचा तैयार भी हो रहा है, और साथ के साथ नर्सरी भी लगी है। जो प्रोसीजर पूरा था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ये पौधे जो हैं एक, मतलब अभी सीड डालते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए ये ग्राफ्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद इसमें 8-9 महीने और लगते हैं पूरे पेड़ को बनने में, और तब ये पूरा तैयार हो जाता है। तो प्लम की 4 से 5 वैरायटी है, मैंने आपको बता दिया। और अगर आप भी ये लेना चाहते हैं, आप हमारे आसपास से हैं, तो जब ये पूरा तैयार हो जाएगा ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे दूँगी। तो चलिए फिर, यही था।